नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी जब तक बिमलाएं हैं। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए जब तक बिमलाएं हैं। जून के पहले हफ्ते की बात है। उत्तर प्रदेशीय महिला मंच की रीढ़ ऋचा जोशी का मेरठ से फोन आया कि दीदी, दिल्ली से निम्न वर्ग की किसी ऐसी कर्मठ जुझारू चेतना संपन्न महिला की संस्तुति भेजिए जिसे हम उत्तर प्रदेशीय महिला मंच के 18वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर देश के अन्य कोनों से आई स्त्री शक्ति की प्रतिमान महिलाओं के साथ सम्मानित कर सकें। फोन रखते ही अचानक एक नाम दिमाग में बिजली सा कौंधा, साथ ही और भी नाम याद करने की कोशिश की मैंने, मगर उसके साहस और जीवटता की कौंध के समक्ष वे नाम पानी पड़ी तस्वीरों से धुंधला गए। कैसी बात कर रही हैं दीदी, इनाम ले लूं, शॉल ओढ़ लूं, कोई अपने जाने, हमने ऐसी कोई बहादुरी नहीं की। आप बोलो, कारगिल जाके हमने पाकिस्तानी दुश्मनों को पछाड़ा है, जमुना में डूबती किसी की औलाद को डूबने से बचाया है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया दीदी, कोई बड़ा काम नहीं किया। अपनी मासूम औलाद के संग हुई नाइंसाफी की खिलाफत तो माँ बाप का फर्ज ठहरा। खुशी इस बात की ठहरी, बरस भर बाद ही सही, सत्यानाशी राक्षस पुलिस के हत्थे तो चढ़ा। करम जले ने न जाने किस किस का जीवन बर्बाद किया होगा। कुकर्मी न धरा जाता तो आगे कितनों की जिंदगी तबाह करता, कौन जाने। बेहवल सी वह बोले चली जा रही थी। 24 घंटे छाती दलता पहाड़ सा दुख कहीं अब जाके सिराया है। बिस्तर पड़ते ही चैन की नींद सोती हूँ। छोरी भी पढ़ रही है, दोनों छोरे भी। माता रानी की कृपा से तीनों अच्छा नतीजा लाए हैं। इससे बड़ा कोई इनाम सत्कार है? अब तो दीदी बस एक ही सपना ठहरा, जांगर चलते औलादों की जिम्मेवारी से निपट लूं। निपटते ही माता रानी हमेशा हमेशा की खातिर अपनी सेवा में बुला लें। चाय सुड़कते हुए पानी भरी कटोरी में पड़े कंचे सी जल जल आंखें उठाकर उसने सूचना दी, मरद की टोह लगी है दीदी, उत्तर काशी में रह रहा है। दूर के नंदोई ने खबर भिजवाई है कि चरसी साधुओं की टोली में रमा घुमक्कड़ी करता घूम रहा है, रसोई बनाता है उनकी। उसका निःश्वास इतना लंबा खिंचा कि मैं क्षणों तक उसी अवसाद में घुली उसकी ओर टकटकी बांधे देखती रही। जिज्ञासा ने कोई हठ नहीं ठानी। अपनी कहूँ दीदी, तो हम तो इस बात से राजी ठहरे कि चलो जहाँ भी है जिंदा तो है। गुस्सा कम नहीं था नालायक पे। बेलज के मुँह चुरा कर भागते ही विचार आया था कि लोढ़े से चूड़ियाँ तोड़ अपने को राण बेवा मान लूं। फिर ढीली पड़ी तो आखिर यह सोच के कि जैसा भी है छोरा छोरी का बाप ठहरा, उनसे उनका बाप कैसे छीन लूं दीदी। खनकती चूड़ियां छोरा छोरी को भरवाए रहती हैं कि उनका बापू कहीं है और कभी उससे उनकी मुलाकात भेंट होगी ही। एक मामूली संघर्ष जदा औरत का जवाब सुन मैं विस्मित हो उठी। उसे मनाने की चेष्टा की मैंने, उसके साहस से अभिभूत हो कि उत्तर प्रदेशीय महिला मंच तुम्हें सम्मानित कर स्वयं सम्मानित महसूस करेगा। यह सम्मान स्त्री चेतना का सम्मान होगा। तुम अपनी जैसी हजारों हजार उत्पीड़ित महिलाओं के लिए मिसाल बन सकती हो, उन्हें प्रेरित कर सकती हो कि वे भी अपनी बेटियों के साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का साहस दिखा सकें। खामोशी साथ अपराधी को और दुस्साहसी न बनाए। ना दीदी ना, उसने दृढ़ निश्चय स्वर में प्रतिवाद किया, हमको तो यही लगे है कि ठीक यही ठहरा कि छोरी की इस बाबत याददाश्त ही कमजोर पड़ जाए, भूल जाए जो हुआ। आप ही बोलो, तमगा पहनूंगी बहादुरी का तो तमगा छोरी को याद नहीं दिलाता रहेगा कि माँ ने तमगा काहे का पहना था। किस पाठशाला की विद्यार्थिनी रही है यह औरत, कितनी अलग है यह उस कतार से जो साहस का एक कदम भर लेने मात्र से तमगा पहनने की होड़ में
एक दूसरे की छाती पर पांव देकर खड़े होने में भी गुरेज नहीं करते। निश्चित ही आप इस औरत का नाम जानने के लिए उत्सुक होंगे। चलिए, नाम मैं उसे दिए दे रही हूँ, विमला। 6-7 महीने पूर्व विमला से मेरी मुलाकात हमारी कॉलोनी में खाना पकाने का काम करने वाली पाना ने करवाई थी। उसका परिचय देते हुए पाना ने बताया था कि अभी कुछ रोज पहले ही चिल्ला गांव से विमला उसके पड़ोस में ठीक उसकी बगल में रहने आई है। 500 रुपये में उसने कमरा किराए पर लिया है। मुसीबतों की मारी है, काम की उसे सख्त जरूरत है। अपने प्रयत्नों से उसने विमला को समाचार अपार्टमेंट्स में 2 घरों का कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा आदि का काम दिलवाया है। फोटो खिंचवाकर कल उसका गेट पास भी बनवा दिया है। अपनी सोसाइटी के चौकीदार से भी उसकी बात करवा दी है। चौकीदार ने उम्मीद दिलाई है कि जल्द ही वह उसे 2-3 घरों की टहल दिलवा देगा। मेरे पास तुम विमला को क्यों लेकर आई हो, के उत्तर में पाना ने द्रवित स्वर में जवाब दिया। विमला के 3 बच्चे हैं। यहाँ आने से पहले वह फरीदाबाद की एक मलिन बस्ती में रहती थी। बच्चे वहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। दिक्कत यह है कि वह चिल्ला गांव से बच्चों को उतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकती। मजबूरन उन्हें यहीं त्रिलोकपुरी के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाना होगा। विमला स्कूल गई थी, प्रधानाचार्य मिस्टर गोयल से मिलकर भी आई है। बच्चों को स्कूल में भर्ती करने की उनसे प्रार्थना की उसने, मगर प्रधानाचार्य मिस्टर गोयल साल के बीच में बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए राजी नहीं है। हताश विमला ने अपनी समस्या उसे बताई तो उसने आश्वस्त किया कि वह उसे अपनी ही सोसाइटी की एक दीदी से मिलवाएगी, शायद वो उसकी समस्या का कोई निदान ढूंढ सके। पाना के काम का समय हो रहा था, विमला को वह मेरे पास छोड़कर काम पर निकल गई। घुटनों पर चिंतित सी ठुड्डी टिकाए बैठी विमला को मैंने गौर से देखा। गंदुमी रंग, ठमकी सी कसी देह, उम्र 35-36 के आसपास लगी, कम भी हो सकती है, किंतु गालों पर पड़ी झाइयाँ और कनपटी से झांकती बिरल सफेदी उम्र के अधिक होने का ही भ्रम दे रही थी। बहू शैली से उसके लिए चाय बनाने के लिए कहा तो दोनों हाथ उठाकर उसने स्पष्ट मना किया। चाय वह घर से पीकर चली है। शैली फिर भी नहीं मानी। नाश्ता और चाय उसने उसके सामने लाकर रख दिया। मेरे आग्रह के बावजूद विमला ज्यों की त्यों मूर्तिवत बैठी रही। लगा यह खामोशी संकोच नहीं है, उस पर गुजरे किसी अंधड़ की तबाही से उपजी स्तब्धता है। अपनी चाय उठा मैं फर्श पर उसके निकट आ बैठी। मेरे पीठ पर हाथ रखते ही विमला ने न जाने कौन सी आत्मीयता पाई कि अनायास तबाही की टूटन फूटती हिचकियों में अपनी व्यथा कथा को शब्द पहनाने लगी। मौज मस्ती तो तभी तक जानी उसने जब तक उसकी बेआसरा विधवा माई ने गमकों के संग भावरे डलवा उसे देहरी से विदा नहीं कर दिया। बरस पूरा होते न होते माई स्वयं चल दी। सांड ने ऐसे सींग मारा कि तत्काल फटे पेट से प्राण पखेरु उड़ गए। बिरादरी ने क्रियाकर्म निपटा दिया। माई के स्वर्ग सिधारने की सूचना गांव के रिश्ते में लगते ताऊ ने पहुंचाई। जाकर करती भी क्या, ताऊ ने बताया, एकाध कांसे फूल के बर्तन भाड़े थे सो उन्हीं को बेच बाँच कर माई का काम पार लगाया गया। मड़ैया जमीन अपनी तो थी नहीं, जिन्होंने अपनी सेवा टहल के लिए बसा रखा था वापस उन्होंने ही कब्जा कर लिया। पति के ऐबों ने पस्त नहीं किया, पसीने ने आसरा दिया। काम मौसम के अनुसार रोजगार बदल लेना। बारिश शुरू नहीं हुई कि वह आसपास के खेतों से भुट्टे खरीद लाती और उन्हें कोयले पर भून बेचना शुरू कर देती। भुट्टे का मौसम बीतने लगता तो वह सड़क के किनारे बारदान बिछा टोकरियों में साग सब्जी की दुकान खोल बैठ जाती। खेत वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत के कायल थे सो खीरा बैगन तोरई लौकी सीताफल उधार दे देते। जितना बेच पाती घर खर्च भर का छोड़ शेष उधार की किस्त के रूप में गुल्लक में डाल देती। जब भी खेत में ताजा सब्जियां खरीदने पहुंचती उधार चुकता कर देती। सब्जियों के भाव आसमान छूने लगते तो मौसमी फल बेचना शुरू कर देती। एक टोकरी में बड़े अमरूद, दूसरी में छोटे छटे,
दाम उसी अनुसार कम ज्यादा। अलीगढ़ में थे तो गम को रिक्शा चलाता था। एक संगी के आग्रह के चलते डेरा उठ गया और वे फरीदाबाद आ गए। गम को जो भी दिहाड़ी कमाता, रिक्शे का किराया ठेकेदार को थमा, देशी शराब का पौआ खरीद शेष दिहाड़ी उसके हाथ में रख देता। कभी न पूछती कि दिन भर घर से गायब रहकर भी वह इतने कम पैसे क्यों कमाता है। तर ऊपर के दो छोटे छोटे और साथ पूरे करती पहलौटी की छोरी। चादर में पांव अटे तो कैसे, अपने धंधे से लौटती तो बीच में पड़ती चक्की पर से दो तीन रोज का आटा संग खरीद कर ही लौटती। साग सब्जी की किल्लत कभी महसूस न होती, बची कुमलाई सब्जियां उसकी रसोई के काम आती। गमकू से हिसाब किताब लेना अलीगढ़ में ही छोड़ दिया था। हिसाब किताब दोनों के बीच जंग का कारण बनता। ऐसा नहीं कि उसने गमकू को पटरी पर लाने और उसे सदगृहस्थ बनाने की कोशिश नहीं की, खूब की। महीने की शुरुआत में ही वह दो तीन दर्जन 502 पताका बीड़ी के बंडल और उतनी ही माचिस की डिब्बियां लाकर रख देती। ठेके पर पौआ के लिए लाइन भी लगा लेती, मगर मर्दुओं के विचित्र नमूनों के बीच खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक रोज के बवाल ने तो जैसे उसके कलेजे की झिल्ली ही कुतर ली। रिक्शे का ठेकेदार ऐन मुहारे खड़े हो ऊंची आवाज में गमकू की माँ बहन करते हुए उसे बाहर निकल आने की चुनौती देने लगा। गमकू ठिया होता तो निकलता ना। ठेकेदार ने बताया 22 दिन से ऊपर हो रहे हैं, गमकू ने रिक्शे का किराया नहीं भरा। 4 रोज से हरामी मुंह दिखाने भी नहीं आ रहा, क्योंकि ठेकेदार ने उधार चुकाए बिना रिक्शा उठाने से उसे मना कर दिया। वह सांप सूंघे सी ठगी खड़ी रह गई। गमकू उस रोज भी सुबह समय पर घर से निकल गया था। हाँ, कुछ दिनों से वह रिक्शा घर नहीं ला रहा था। न तीनों बच्चों को हमेशा की भांति रिक्शे पर बैठा उन्हें उनके स्कूल छोड़ रहा था। कारण उसने यह दिया कि सुबह 7:30 बजे की उसे 3 बच्चों की बंधी सवारी स्कूल छोड़ने और दोपहर वापस लाने की मिली है। बच्चों को छोड़ने के चक्कर में वह सुबह की बोहनी खराब नहीं कर सकता। उसने कोई आपत्ति नहीं की, बात उसे भी उचित लगी। ठेकेदार की कान उमेटती आवाज, संग मोहल्ले की सेंध लगाती कुछ जोड़ी आंखों की टकटकी उसके कंठ में बात के गोले सी अटक गई। दंतनाती हुई भीतर गई और दबी गुल्लक बाहर निकाल किराए की पौनी रकम ठेकेदार को लाकर पकड़ा दी। भर भराई आवाज में ऐट कर साफ कह दिया, आइंदा उसकी चौखट धरने की जरूरत नहीं, बकाया किराया उसके घर पहुंच जाएगा। बता भर दे घर कहाँ है। गमकू ने माना। फरीदाबाद स्टेशन के परली ओर 20-21 रिक्शे वालों का एक जुए का अड्डा है। फरदीन रिक्शा वाला ही उसे चलाता है, वहीं जमावट रहती है उनकी। कौड़ी की चाले और चरस के साझे सुट्टे दिन रात चलते रहते हैं वहीं। क्रोध से अंगार हो आई, फौरन डंग मारा। ठेकेदार बता रहा था कि उसने 4 रोज से रिक्शे की पीठ नहीं गरमाई, भला कौड़ी की चाल कैसे चलता है। काम धंधा छोड़ कहीं उसने हिजड़ों की टोली में ढोल तो नहीं बजाना शुरू कर दिया। मुंह जोरी का प्रसाद मिला, करवट भरते ही चीख निकल गई मुख से। समझ गई बायां कंधा उतर गया है, पछताई। पूंछ पर पांव देना ही क्यों जो पलट कर मरत फन काट ले। गृहस्थी उसके चलाए खींच रही है, जब खुद ही चूल्हे का उपला बनी बैठी हुई है तो अपने हाड़ गोड़ की सलामती मनाए। उस रोज बेमन से खेत से खीरे आए, सांझ घिरने से पहले खरीद के भाव निपटाए। उचाट चित पटरी पर ना आया, करती भी क्या। लौटती में दवा की दुकान से कंधे की पीड़ा के लिए गोली खरीदी। दुकान वाले ने निश्चिंत किया, कंधा उतरा होता तो वह बाजू ना हिला पाती। मामूली झटका लग गया होगा, 6-6 घंटे के अंतर पर तीनों गोली खा ले। चैन न मिले तो कल शाम सरकारी दवा खाना हो ले। अपने लिए चाय चढ़ा रही थी कि तभी छोरी सुरसती ने पाखाना जाने के लिए पानी का डिब्बा भरा। मैं बड़बड़ाई, टाइम बे टाइम पाखाने जाने का मतलब? उधर जनानियों और मर्दों के लिए संग बने पाखानों में रात को बिजली भी नहीं होती। छोटी टॉर्च रख रखी है उसने, मगर बैटरी लगभग फिस है। जाने कैसी बैटरियां आ रही हैं इधर कि 4 दिन बीतते न बीतते आंख मिचौली खेलने लगती हैं।
नकली की पैठ नहीं, वरना गाजर गोभी भी नकली बना लेते लोग। ठोक पीट कर बैटरी पकड़ाई छोरी को, हिदायत देकर कि उसे रास्ते में न जलाए, पाखाना पहुँच कर ही जलाए। चाय से गोली निकले आधे घंटे से ऊपर हो गया तो चिंता ने पांव पसारे, छोरी वापस क्यों नहीं लौटी? इतना टाइम तो उसे नहीं लगना चाहिए, पाखाना ज़्यादा दूर भी नहीं। कुछ देर और रास्ता देखा उसने, फिर काम छोड़ पाखाने की ओर लपकी। जनानियों के सारे पाखाने खुले पड़े हुए थे, भीतर झांक कर भी देख लिया, आगे पीछे की खुली पड़ी हुई जगहें भी टटोल ली। अंदेशे में कि कहीं खुले में न बैठी हो, छोरी कहीं न दिखी। अचानक पाखाने का पानी वाला डिब्बा एक ओर को लुढ़का पड़ा दिखा, जी धड़का, कहाँ ढूंढे छोरी को? किसी और रास्ते घर निकली होती तो पानी का डिब्बा यहाँ क्यों छोड़ जाती? डिब्बा तो उसका ही है, तीनों ओर से पिचका। अस्थिर चित्त में संशय सिर उठाने लगे, पाखाने का डिब्बा उठाए बगल वाले पार्क में ढूंढने दौड़ी। पार्क में मटमैली रोशनी थी, चप्पा चप्पा ढूंढ डाला, छोरी कहीं नहीं दिखी। याद आया छोरी के हाथ में छोटी टॉर्च भी तो थी, वह तो पाखाने के सामने नहीं दिखी। हो सकता है ओने कोने में कहीं लुढ़की पड़ी हो, छोटी चीज दिखनी भी तो मुश्किल होती है। बदहवास गलियों में डोलती जिस दिस से पूछने लगी, उसकी नन्ही छोरी को तो नहीं देखा उन्होंने? घंटे भर पहले पाखाने गई थी, अलोप हो गई। सभी ने दिलासा दी, कहाँ गायब हो जाएगी, जिनावर तो लगते नहीं बस्ती में। बच्चों के साथ खेल खाल रही होगी कहीं, घबराए नहीं, मिल जाएगी। मदद को कुछ लोग आगे आए, चारों ओर ढूंढने चल दिए। सुरसती मिली बस्ती से लगते सफेदा के घने जंगल में, अधमरी सी पड़ी। मोहल्ले के ही एक ढुड़वैये ने हाँफते हुए आकर खबर दी, सांस चल रही है, अनर्थ हुआ है बच्ची के साथ। कई लोग मिलकर दौड़ पड़े उस ओर, औरों के हाथों से झटक अचेत छोरी को उसने गोदी में समेट लिया, छाती से चिपका बिलाप करने लगी, भगवान तू कहीं है तो तेरी आंखों के सामने ऐसा अन्याय। साथ चलते मर्द आंख नहीं उठा पा रहे थे। अचानक वह ठिठकी और दृढ़ निश्चय स्वर में बोली, छोरी को लेकर वह सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। साथ चलते मर्द और जनानियों को सांप सूंघ गया। एक जनानी ने हिम्मत की, समझाया कि घर ले चल छोरी को, डरी हुई बच्ची है, थोड़ी देर में चेत आ जाएगा, जो हुआ सो हुआ, कोतवाली में कौन लगे सगे बैठे हुए हैं जो अन्यायी को हाथों हाथ धर लेंगे? टाइम खराब होगा सो ऊपर से, छोरी की और दुर्गति करने कराने से क्या फायदा? उसके कलेजे में पेचकस चल रहे थे लगातार, ऐसे नहीं छोड़ने वाली वह, हथकड़ियां लगवाएगी कुकर्मी को, सजा दिलवाएगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली, डॉक्टरी जांच के लिए उसे सरकारी अस्पताल भेजा गया। छोरी को 5 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, 5 टांके आए, चेत आया, मगर दहशत से पीली छोरी की आवाज न जाने कहाँ गुम हो गई थी। 3 रोज बाद लौटी तो अम्मा उच्चार कर फिर खामोश हो गई। डॉक्टरनी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, बच्ची अब तक दहशत में है, मानसिक आघात लगा है मासूम को, सदमे से बाहर होते ही आवाज लौट आएगी। गम को घर आया था मगर छोरी से मिलने अस्पताल नहीं आया, वह रास्ता देखती रही। छोरी को लेकर घर लौटी तो गमकू ने उसका जीना मुहाल कर दिया, लातों घूसों से उसे इतना धुना कि बच्चों का ख्याल न होता तो वह जाकर किसी कुआं बावड़ी को ढूंढ लेती। एक मूर्ख जनानी की भला इतनी मजान कि वह पुलिस कचहरी करती फिर रही है, बिरादरी में उसे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इतना बावेला मचाने की आखिर उसे जरूरत ही क्या थी? जो घटा कोई नई बात ठहरी जनानियों के लिए, सीधे घर लाती छोरी को और हल्दी चूना लगाकर छुट्टी करती, न हो जाती 2-4 दिनों में चंगी भली तो उसका नाम बदल देती। उसने बेलिहाज विरोध किया, हल्दी चूना से ऐसे घाव नहीं भरते, टाके डलवाने ना ले जाती तो क्या मासूम छोरी का जीवन बर्बाद करती? कोर्ट कचहरी के डर से बच्ची के संग जबराई करने वाले को छुट्टा घूमने को छोड़ देती? ना सूली चढ़वाया राक्षस को तो वह अपनी माई की जाई नहीं, उसे नहीं लड़ना तो ना लड़े, वह अकेली काफी है।
भोर को नींद टूटी तो उसने गमकू को घर से नदारद पाया। हफ्ता बीत गया, वह निष्ठुर घर न लौटा। संगी साथियों ने भी कोई खबर न दी। सभी ने हाथ झाड़ लिए कि हफ्ते भर से उन्होंने भी उसका मुंह नहीं देखा। पता कहाँ से बताए, पता लग भी नहीं रहा, बिला जाने कहाँ गया। खैर, ख्वाही को आने वाले लोगों ने उसे दिक कर दिया। लगा कि यही अपनापा चलता रहा तो जख्म तो पुर जाएंगे छोरी के, मगर उसके कच्चे मन के घाव सूखने से रहे। उसी क्षण निश्चय किया उसने, जगह बदलना उसके लिए बहुत जरूरी है। वह दूर के रिश्ते की एक परिचिता की सहायता से उसके लिए सर्वथा अपरिचित मयूर विहार से सटे चिल्ला गांव में आ बसी। सिर नत हो गया बिमला की जीवटता के सामने। जब भी उससे मिलती हूँ, नई शक्ति और स्फूर्ति से भर उठती हूँ। सोचती हूँ, समाज में जब तक बिमलाएं हैं, औरत की अस्मिता अपने अधिकार से वंचित नहीं रह सकती, ना कोई उसे वंचित कर सकता है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।